तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिनचैन की नई मूवी के बारे में। तो गाइस फाइनली शिनचैन की एक और नई मूवी आने वाली है और उसके लिए आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना। वो मूवी हमें दिसंबर में ही देखने को मिलने वाली है और वो मूवी कौन सी है, कहाँ पर देखने को मिलेगी, सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, बने रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी शिनचैन और डोरेमोन के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा हो चुका था सोनी ने कोई भी शिनचैन की न्यू मूवी अनाउंस नहीं की थी और कई सारे रूमर्स आ रहे थे कि शिनचैन की न्यू मूवी हमें सिर्फ नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिल सकती है। लेकिन नहीं दोस्तों, हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, सोनी न्यू मूवी लेकर आ रहा है और उसके लिए हमें ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। ये मूवी हमें देखने को मिलेगी दिसंबर में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मूवी शिनचैन की 2007 की होने वाली है जो कि ऑलरेडी जापान में रिलीज हो चुकी है। लेकिन यार ये मूवी फर्स्ट टाइम इंडिया में आने वाली है तो हम लोगों के लिए ऑब्वियसली ये मूवी नहीं होने वाली है। और हम सभी लोग जानते हैं कि सोनी ऑलरेडी बहुत सारी पुरानी मूवीज इंडिया में लाता जा रहा है। इस मूवी का नाम है फियरनेस दैट इनवाइट स्टॉर्म द सिंगिंग बोटॉक्स बॉम्ब। और दोस्तों गुड न्यूज ये है कि ये मूवी हमें 14 दिसंबर को सोनी पर देखने को मिलेगी दोपहर 1 बजे। क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए? और कॉमेंट करके बताओ ऐसी कौन सी मूवी है जो की आप चाहते हो बहुत ही जल्द इंडिया में आ जाए। दोस्तों इसके अलावा भी जनवरी और फरवरी में हमें दो और शिनचैन की न्यू मूवी सोनी पर देखने को मिलने वाली है। शिनचैन और डोरेमोन की न्यू मूवी के बारे में बताने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।